हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में चेंज ग्रुप कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि चेंज ग्रुप कमांड का थियोरेटिकली क्या यूज है. तो चेंज ग्रुप कमांड इज यूज टू चेंज द ग्रुप दैट हैज एक्सेस टू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज. तो चेंज ग्रुप कमांड का जो है हम यूज करते हैं किस लिए, ग्रुप को चेंज करने के लिए. यानी कि कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी वो एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होती है. कोई फाइल या कोई ग्रुप जो है वो ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होती है. तो इस ग्रुप को अगर हमें चेंज करना है, इस ग्रुप को अगर हमें चेंज करना है, तो इसके लिए CHGRP यानी कि चेंज ग्रुप कमांड को यूज करते हैं. तो ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन लाइनेक्स बिलोंग टू एन ओनर एंड ए ग्रुप. तो यूनिक्स या लाइनेक्स में जितनी भी फाइल्स होती है और डायरेक्टरीज होती है वो किसी न किसी ओनर के साथ बिलोंग करती है, मतलब किसी न किसी ओनर के साथ एसोसिएटेड होती है और साथ ही साथ किसी ग्रुप के साथ भी एसोसिएटेड होती है. तो जो है, सुपर यूजर परमिशंस आर नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द चेंज ग्रुप कमांड. तो अगर आप चेंज ग्रुप कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सुपर यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा. तो टू चेक द ग्रुप ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करेंट लोकेशंस यूज कमांड लाइक. अब जो है आपके यूनिक्स या लाइनेक्स में जो है किसी भी फाइल या डायरेक्टरीज के ग्रुप को चेक करना है तो सिंपली आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके ls-l कमांड को एग्जीक्यूट कर दीजिए. तो आपके फाइल्स के साथ जितनी भी ग्रुप एसोसिएटेड होगी और ऑनर एसोसिएटेड होंगे वो सारा कुछ शो कर देगा. अगर किसी पर्टिकुलर फाइल के ग्रुप को चेक करना चाहते हैं तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके टाइप करेंगे ls-l और इसके बाद उस फाइल का नाम देंगे तो इस फाइल के ग्रुप और ऑनर को भी शो करेगा. यहाँ पे मैंने एक और फाइल ली है abc. तो ls-l abc मैंने ये फाइल का नाम दिया है तो इसके आगे ग्रुप और ऑनर को ये शो करेगा. तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं तो फिर ये अच्छे से समझ में आएगा. तो ये हमारा जो है रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का ये वर्जन है, लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो यहाँ पे हम चेंज ग्रुप कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे. बट इसके लिए मैंने बताया था कि पहली कंडीशन क्या है कि आपको सुपर यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा, सिस्टम यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे, su एंटर करेंगे और मेरा सुपर यूजर का जो पासवर्ड है वो है ओरेकल, oracle एंटर. और यहाँ पे जो ये रूट शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप जो हो आप सुपर यूजर से लॉगिन हो चुके हो. तो इसको क्लियर कर लेते हैं. पहले ये मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं सुपर यूजर से लॉगिन हूँ. अब मैं क्या करूँगा, अपने यूनिक्स या लाइनेक्स की सारी फाइल्स को चेक करूँगा कि कौन सी फाइल किस ग्रुप के साथ और उनके साथ एसोसिएटेड है. तो ls-l और एंटर. तो ये सारी फाइल है और ये इसके क्या है, सारे ग्रुप का नाम है और ये इसके ऑनर का नाम है. ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं. ये मैंने क्लियर कर दिया. अब दो फाइल लेते हैं और उसका चेक करा लेते हैं. ls-l एक फाइल है प्रीति और एंटर करेंगे तो ये बता रहा है प्रीति नाम की ये फाइल है. ठीक है, ये फाइल का नाम प्रीति है, ये इसके ग्रुप का नाम है. ठीक है, और ये इसके ऑनर का नाम है. एक और फाइल है हमारे पास ls-l abc और एंटर करा लेते हैं. तो ये हमारे फाइल का नाम है, ये हमारे ग्रुप का नाम है और ये हमारे ऑनर का नाम है, मतलब इस abc के ऑनर का नाम अनिल है. ठीक है, तो
नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट जो है, हाउ टू चेंज द ग्रुप ऑफ ए फाइल। अब एक फाइल के ग्रुप को चेंज करना है मुझे, एक फाइल के ग्रुप को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करूँगा चेंज ग्रुप, कमांड का नाम दूंगा, फिर ग्रुप का नाम दूंगा मैं, और फिर फाइल का नाम दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइल और ग्रुप है वो है ओ इंस्टॉल, एक ग्रुप का नाम है और प्रत्येक फाइल का नाम है। तो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके chgrp कमांड को टाइप करेंगे, एक ग्रुप का नाम देंगे और एक फाइल का नाम देंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा, ठीक है। अब मैं ग्रुप को चेंज करना चाहता हूँ, तो प्रीति जो है यहाँ पे, ये प्रीति जो है, प्रीति के ग्रुप का नाम DBA टीम है, ठीक है, और ABC के ग्रुप का नाम जो है ओ इंस्टॉल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, प्रीति का जो ग्रुप है DBA टीम, इसको मैं ओ इंस्टॉल में चेंज कर देता हूँ। तो मैं कैसे चेंज करूँगा, chgrp चेंज ग्रुप, और प्रीति नाम के फाइल का जो ग्रुप है DBA टीम है, इसको मैं ओ इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैं टाइप करूँगा ओ इन इंस्टॉल और प्रीति, और एंटर मार दूंगा। ये हो गया, अब मैं चेक कर लेता हूँ, ls -l प्रीति, और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे प्रीति आ गई, और इसके ग्रुप का नाम पहले DBA टीम था, ये देखिए यहाँ पे ये प्रीति आ गई और ये DBA टीम है। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीति, और प्रीति जो DBA टीम है उसको मैंने ओ इंस्टॉल में चेंज कर दिया। अब दोबारा मैं DBA टीम में चेंज कर देता हूँ इसको, तो chgrp, और जो है यहाँ पे मैं DBA टीम कर देता हूँ, और प्रीति फाइल का नाम दे देता हूँ, और ls -l और प्रीति, और एंटर। अब यहाँ पे प्रीति जो है, अब अगेन इसके ग्रुप का नाम जो है वो DBA टीम हो गया है, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर दिया मैंने। तो ये था चेंज ग्रुप कमांड के बारे में, इसको ध्यान से समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रेशर लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको ये सब समझने में बहुत दिक्कत आती है, बट यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।